हम स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट वो होते हैं जिनकी बहुत शॉर्ट लाइफ होती है। ऐसा कई जगह बुक्स में मेंशन है 10^-6 सेकंड, या बहुत कम रेयर इनके, मतलब बहुत शॉर्ट लाइफ होती है इनकी, ठीक है। अब बट ये बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये डिसाइड करते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, ये इंटरमीडिएट कौन कौन से होते हैं? कार्बोकैटायन, कार्बोनायन। हम ट्राई करेंगे छोटी शॉर्ट वीडियो बने, ताकि आप शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अब गेन कर सकें। कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल और कार्बिन्स, बेंजाइन्स और नाइट्रीन्स, ठीक है। एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे कार्बोकैटायन्स की। कार्बोकैटायन्स ये बनते कैसे हैं? देखिए ऐसे होता है, मान लो ये कोई ये एक्स अटैच है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्या होता है? हिड्रोलिसिस हो जाती है यहाँ पर। हिड्रोलिसिस मतलब जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है, तो यहाँ पर H, ये एज इट इज ऐसा बन जाता है। तो इसी तरह बन सकते हैं इसमें, ये CH3 पॉजिटिव, CH3, CH2 पॉजिटिव, CH3, CH2, ऐसे CH3 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह इसमें कई सारे, इसे मिथाइल कार्बोकैटायन बोलेंगे, ये इथाइल कार्बोकैटायन, प्रोपाइल, ये ब्यूटाइल कार्बोकैटायन है। या फिर कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, ऐसा देखने को मिल जाता है। तो अपने कॉमन नेमिंग मैंने बहुत सारे बच्चों को सिखाया है, इसे क्या बोलते हैं? ये होता है आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। और कभी कभी ऐसा मिल जाता है, इस एच को भी हटा देते हैं हम, यहाँ पर भी CH3 अटैच कर देते हैं, यहाँ पर भी, ये होता है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। कॉमन नेमिंग में हम सारे कार्बन काउंट करते हैं, इसलिए क्योंकि चार हैं यहाँ पर, या तीन थे तो आइसोप्रोपाइल था, या चार हैं तो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, ठीक है।